आज मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। तुम्हारे अंदर अगर एक तितली, एक चिड़िया और एक चींटी, इन तीनों के गुण अगर मौजूद हैं तो इतना समझ लो कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें तुम्हारी तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। फिर तो चाहे तुम्हारा काम कोई भी हो, तुम किसी भी क्षेत्र से क्यों ना जुड़े हो, तुम्हें रोक पाना मुश्किल है। अब तुम पूछोगे कि बाबा ये तीनों कैसे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ आज। तितली रंगों से भरा हुआ। रंगों से भरा हुआ का मतलब ये नहीं है कि अपने अंदर वो रंग भर लो, नहीं, मतलब हर तरह के तुम्हारे अंदर रंग हैं। तुम्हें खुशियों में खुश होना आता है, तुम्हें तकलीफ में रास्ता ढूंढना आता है, तुम्हें मेहनत करनी आती है। ये सब रंग अगर तुम्हारे अंदर हैं तो तुम एक तितली के जैसे हो, चिड़िया के जैसे हो। चिड़िया कितनी मेहनत करती है, हम देखते होते हैं कि चिड़िया हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, वो कभी शांत नहीं बैठती। तो अगर तुम चिड़िया के जितने मेहनती हो तो इतना समझ लो कि तुम्हारे रास्ते और तुम्हें कोई भी रुकावट कभी रोक नहीं सकती, तुम आगे हमेशा बढ़ते जाओगे। और एक चींटी, चींटी के जैसे जिद्दी, चींटी बहुत जिद्दी होती है। तुम्हें पता है अगर वो कोई काम ठान लेती है तो अपने से तिगुना वजन भी उठा कर ले जाती है, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है क्योंकि वो बहुत जिद्दी होती है। उसको होता है कि अगर उसने कोई काम ठान लिया तो फिर वो करके रहती है। तो अगर चींटी के जैसी जिद है तुम्हारे अंदर तो इतना समझ लेना कि फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जिद अच्छी चीज़ होती है लेकिन अगर वो सही काम में लगाई जाए, अगर जिद गलत चीज़ों के लिए ना की जाए तो जिद हमेशा ही अच्छी होती है। अगर तुम दृढ़ निश्चयी हो और तुम कोई काम कर रहे हो और तुम्हें पता है कि वो काम तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, तुम्हारे लिए और किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, और तुम फिर उस काम के लिए जिद्दी हो जाते हो तो वो जिद गलत नहीं है। मैं उस जिद को गलत नहीं मानता। अगर तुम किसी के परोपकार के लिए कभी किसी से भिड़ भी जाते हो और अपनी जिद में आ जाते हो तो इतना याद रखना कि वो जिद गलत नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर ये सब गुण हैं तो तुम इतना समझ लो कि तुम एक संपूर्ण व्यक्ति हो और संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हो। और यही कारण है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ऐसे हो। तो इसलिए मुस्कुराकर अपने दिन को बिताओ और दिन की शुरुआत करो। चलो खुश रहो मेरे बच्चे।